अमाउंट्स, यानी जैसे कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू एस्टन थ्योरियम ले रहे हैं सी से, सो ये आपका आयोनियन मोड के अंदर आता है, और यदि से राग के अंदर कहेंगे तो ये बिलावल थाट बोला जाता है, जो कि हमारा सर्वप्रथम का स्केल होता है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थ्योरी मोड्स आयोनियन। एंड अगर क्लासिकल के टाइप से देखा जाए तो ये आपका बिलावल एक थाट होता है। यदि किसी को थाट वगैरह का नॉलेज नहीं है तो थाट वगैरह पे मैंने डिटेलिंग में वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको आराम से मिल जाएगा। बता देता हूँ, मैं ऑनलाइन ट्यूशन वगैरह भी देता हूँ, ये नीचे आप देखिएगा व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है, आप कंफर्म कर सकते हैं यदि किसी को रागाज वगैरह गिटार पर सीखने हो। मैं पर्टिकुलरली वही चीज़ पे फोकस करता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप क्वेश्चन करते रहते हैं, कोशिश करता हूँ आपका कि समाधान को ज़्यादा से ज़्यादा हल करूँ। सो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं बहुत डीपली डीपली चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, यदि हम ये सी मेजर स्केल से बजा रहे हैं, स्केल आप कहीं से भी बजा सकते हैं, डी का भी बजा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इसको क्या कहते हैं, बिलावल थाट। और मैं बता दूं, थाट वगैरह ये आपके प्ले नहीं होते हैं, सिर्फ समझने के लिए होते हैं, जैसे स्केल रहता है और जो थाट के अंदर रागास वगैरह रहते हैं वो प्ले होते हैं। तो मैं उनके डिटेलिंग में तो अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं मोड को बताने के लिए खास तौर से आया हूँ। देखिए, हमारा सर्वप्रथम जो मोड होता है ये आयोनियन मोड है। देन इसको अगर हम डी से स्टार्ट करें, जैसे कि आप ये मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मेरी फैमिली के मेंबर हैं उन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा है, सर ये मोड्स के बारे में आप बताएं, मोड क्या होते हैं, गिटार पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। सो मैं आज डिटेलिंग में वीडियो बताने के लिए जा रहा हूँ, और जिस भाई को यदि जल्दी है कि सोच रहे हैं कि गिटार बहुत आसान चीज़ है और एकदम से आ जाएगा, और कुछ भी जानने के लिए सोचते हैं कि बहुत जल्दी से देख ले, वीडियो स्किप कर दें, तो आप स्किप करके जा सकते हैं। एक्चुअली ये एक ध्यान का काम है, ये डीपली आपको समझना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, आपको मोड्स वगैरह की और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी प्रकार की। मैं बहुत डिटेलिंग में वीडियो बनाता हूँ और बहुत डिटेलिंग में समझाता हूँ। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रागाज वगैरह गिटार पर कैसे प्ले होते हैं। सो डिटेलिंग में जा रहे हैं मोड, बात करते हैं मोड, मोड क्या चीज़ होते हैं। एक्चुअली मोड को अगर हम समझे तो एक प्रकार से आप स्केल कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थ्योरी आप कहेंगे कि मोड्स क्या होते हैं, मोड्स जैसे कि आयोनियन, डोरियन, फ्रेजियन, लेडियन, मिक्सोलेडियन एक्सेट्रा। सो समझने के लिए हम किस प्रकार से इन पे कार्य करते हैं, या अगर हमें क्लासिकल गिटार के अंदर जाना है तो क्लासिकल कैसे बजाएं, रागाज वगैरह में क्या सीखे, क्या करें कि हम जो जल्दी से सीख पाए कि राग कैसे प्ले होते हैं, क्या होता है, बहुत से क्वेश्चन माइंड में रहते हैं। सो देखिए, मैं सी मेजर स्केल से अधिकतर वीडियो बताता हूँ, क्योंकि एक ये नेचुरल स्केल होता है। आज भी मैं सी से ही बताऊंगा और बात करूंगा। मान लीजिए हम सी के स्केल को प्ले कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा भाइयों को एक बात और बता देता हूँ जो मेरे व्यूवर हैं। देखिए, जल्दी मत कीजिए आप गिटार सीखने में, मैं बहुत डिटेलिंग में वीडियो बताता हूँ, आप कोई भी मेरा वीडियो आप देख लीजिए, मैं बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सी के नोट सारे रहने चाहिए, समझ रहे हैं आप, सारे सी के नोट ही रहने चाहिए जो सी के में प्ले हुए हैं, यानी सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब ये सारे नेचुरल लाइन में, नो शार्प नो फ्लैट, ठीक।
सी की स्केल को हम डी से स्टार्ट कर देते हैं। डी ई एफ जी ई डी सी डी, अगर आप ये बजाएंगे तो ये डोरियन मोड बन जाएगा और स्केल भी ये चेंज हो जाएगा। पहला आपका मेजर रहता है, देन दूसरा आपका माइनर रहेगा, ठीक है स्केल। और यदि हम इसको ई से करते हैं, ई एफ जी ए बी सी डी एंड ई, सी के स्केल से ही ले रहे हैं, बस सी के स्केल को सी से ना प्ले करके हम जैसे डी को सी के स्केल को डी से प्ले किया था, ऐसे ही सी के स्केल को ई से प्ले करना है। यानी नोट्स कौन से जाएंगे ई से, ई एफ जी ए बी सी डी ई, ये आपका कौन सा, ये फ्रेजियन स्केल, ये फ्रेजियन मोड बन गया है। सो ऐसे ही मोड्स आगे बनते चले जाते हैं, मैंने आपको तीन बता दिए हैं। मैं सारे अगर इसमें ही बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहेंगे सर कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये डिटेलिंग कुछ समझ आई होगी। यदि फिर भी किसी की क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा और डिटेलिंग में समझाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस टेक केयर, चाहता हूँ कि मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा गाइस, ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहें। और बहुत से व्यूअर बहुत अच्छे अच्छे बात पूछते हैं, सो आपके जो क्वेश्चन वगैरह रहते हैं मैं उन्हीं के ऊपर आपके वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।